जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, अभी एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। आज की जो गाड़ी है हमारे पास लैंड क्रूज़र प्राडो है और दूसरी हमारे पास एक्सल आई है। दो गाड़ियों का रिव्यू करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया हुआ काइंडली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर भी आपके लिए रिव्यूज़ लाजमी लेके आते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब लाजमी करना बनता है, आपका रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलें फिर आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब का तरला बहुत हो गया तो आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मौजूद हूँ जी मैं सखी मोटर्स पर, आप लोग जो है इनका साइन बोर्ड देख सकते हैं। बाकी जो है इनके पास ये गाड़ी है जी लैंड क्रूज़र प्राडो 1996 का मॉडल है जी ये, और इसके अलावा जो है इसकी भी डिटेल्स आपको बताते हैं। उसके साथ हमारे पास ये एक्सल है, ये 11 मॉडल। तो दोस्तों ये दो गाड़ियों का रिव्यू करवाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले बताते हैं जी आप लोगों को एक्सल के बारे में डिटेल्स बता देते हैं। दोस्तों ये गाड़ी जो है ये 2011 मॉडल है, और इसके अलावा और साइडों से जो है ये गाड़ी टचिंग वगैरह है इसमें, ठीक है। बाकी इसकी कंडीशन जो है आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका बोनट देखें तो बोनट इसका साफ़ है, कुछ माइनर से स्क्रैचेज हैं लेकिन इतना ज़्यादा रफ नहीं है। इसी तरह बम्पर देखें तो बम्पर भी इसका ठीक है, साफ़ हालत में मौजूद है। बाकी लाहौर की रजिस्टर्ड है जी, नंबर वगैरह इसका आप लोग देख सकते हैं। टायर्स आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल साफ़ हालत में टायर्स हैं, अलॉयरी में इसमें मौजूद हैं। बाकी जो है यहाँ पर थोड़ी सी ये प्रोटीन लगी हुई है साइड वगैरह इसकी देख सकते हैं, ठीक है। साइडों वगैरह जो है इसकी ठीक है, और इसके अलावा बैक साइड से भी जो है इसका जो व्यू है आप लोगों को करवा देते हैं, ताकि 360 जो व्यू से आप लोग गाड़ी की कंडीशन देख सकें। ये इसकी बैक साइड है जी, बैक पे जो बैक कैमरा है ये आप देख सकते हैं ये मौजूद है, और इसके अलावा बैक बम्पर की जो कंडीशन है ये आप लोग देख सकते हैं। अभी दिखाता हूँ इसके अंदर से जो इंटीरियर है वो दिखाता हूँ कि इसके जो 11 मॉडल का इंटीरियर है उसकी कंडीशन कैसी है। तो सबसे पहले आप देखें डोर के गत्ते वगैरह, ये हैं डोर की सीले वगैरह, और इसके अलावा ये है इसका जो इंटीरियर है आप लोग देख सकते हैं जी। सीट्स इसमें देखें तो न्यू सीट्स जो हैं इसमें इंस्टॉल्ड हैं जी, और इसके अलावा मैटिंग वगैरह न्यू है। डैशबोर्ड इसका बिल्कुल साफ़ है, मैनुअल गियर्स हैं, इस एसी वगैरह इसका चिल्ड है, स्क्रीन लगी हुई है। सीट्स इसकी बिल्कुल न्यू है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो इसकी बैक रूम से इसकी जो कंडीशन है आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ है। तो चलें जी इसका इंजन आपको दिखाते हैं, फिर इसकी डिमांड बताते हैं, और इसका ट्रंक भी दिखाते हैं जी। तो दोस्तों बोनट जो इसका मैंने ओपन कर दिया है, ये है इसका इंजन इसका आप लोग देख सकते हैं जी, बिल्कुल लश इंजन है, साफ़ हालत में नॉन एक्सीडेंट गाड़ी है। कुप्पे वगैरह इसके देख सकते हैं जी, और इसके अलावा अंदर से जो इसकी कंडीशन है इंजन की बिल्कुल साफ़ है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है। यह है इसकी बैटरी भी इसकी बिल्कुल साफ़ है। फ्रंट पट्टी की जो कंडीशन है ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी बोनट की जो कंडीशन है ये भी आप लोगों के सामने है दोस्तों। 1300 cc गाड़ी है, 2011 मॉडल है, और इसके अलावा सखी मोटर्स पर ये गाड़ी खड़ी है चांदा किला में। चांदा किले से जब आप सिटी की तरफ जाते हैं तो कश्मीर पार्क के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जो आपको इनका शोरूम का बोर्ड है वो नज़र से आ जाएगा इस तरह से। बाकी इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग रब्ता करके गाड़ी विजिट कर सकते हैं जी। इसकी जो डिमांड है दोस्तों ये कर रहे हैं जी 17 लाख रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी जो है निगोशिएबल है, प्राइस कमी पेशी हो जाएगी। अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर इनका जो नंबर है दोस्तों ये चल रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो दिखाते हैं आप लोगों को दूसरी गाड़ी दोस्तों, ये गाड़ी भी आप लोग देख सकते हैं जी, ये 1996 मॉडल है, और इसके अलावा जो है ये मतलब जी हाँ दोस्तों 1996 मॉडल है जी, और इसके अलावा 5 की इम्पोर्ट है, 6 की रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। कंडीशन इसकी आप देख सकते हैं, हल्की फुल्की इसमें टचिंग है, बाकी ये जो गाड़ी है बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है। फ्रंट इसका आप देख सकते हैं जो इसका फेस है, ठीक है। बम्पर वगैरह लाइट्स वगैरह इसकी बिल्कुल ओके हैं, साफ़ हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं ये आप देख सकते हैं ये लगी हुई हैं, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये इसका आप बोनट देख सकते हैं जी, बोनट इसका बिल्कुल साफ़ है, डेंटलेस स्क्रैचलेस बोनट है गाड़ी का। ये इसके टायर्स हैं एलॉयरी में इसमें मौजूद हैं जी, बड़े टायर्स हैं, साफ़ हालत में टायर्स हैं गाड़ी के। इसकी साइड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ साइड है, कोई भी स्क्रैच वगैरह आप लोगों को साइड पर जो है वो नज़र नहीं आएगा। बाकी दिखाते हैं इसकी जो बैक साइड से कंडीशन है, बैक साइड से भी जो है आप लोग देख सकते हैं लैंड क्रूज़र प्राडो TZ जो है ये एडिशन है जी, और इसके अलावा जो ये इसकी स्टेपनी मौजूद है। बैक कैमरा जो ये पीछे देख सकते हैं ये लगा हुआ है, बैक कैमरा मौजूद है इसमें। लाइट्स वगैरह इसके देखें तो बिल्कुल ठीक है, साफ़ हालत में है। इस तरह से जो बैक साइड से भी इसकी जो कंडीशन है आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका दिखाते हैं, अंदर से इंटीरियर आप लोगों को दिखाते हैं। बड़ी गाड़ी है दोस्तों ये 4x4, और इसका इंटीरियर देखें आप लोग, बिल्कुल साफ़ हालत में इंटीरियर है। इतना पुराना मॉडल होने के लिहाज से इसका 4x4 जो है एक्टिव है, ऑटोमेटिक गियर्स है, स्क्रीन लगी हुई है, सीटर इसका चिल्ड है। सीट्स देखें तो बिल्कुल साफ़ हालत में इसकी सीट्स हैं, सनरूफ इसका एक्टिव है दोस्तों। बाकी इसकी दूसरी सीट्स जो हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं, 7 सीटर गाड़ी है बड़ी। ये इसकी पीछे वाली सीट्स हैं, अंदर से जो इसका छत है ये भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ हालत में है। और ये है इसके डोर के गत्ते वगैरह, सीले वगैरह भी आप लोग देखें बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ जो डोर के गत्ते वगैरह ये भी आप लोग देख सकते हैं जी, और इसके अलावा जो है
ऑल ओवर गाड़ी बिल्कुल साफ हालत में, वो पीछे भी सीट्स हैं जी, उनकी कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं। अभी दिखाते हैं जी इसका जो इंजन है वो दिखाते हैं आप लोगों को, फिर इसकी डिमांड बताते हैं कि सखी मोटर्स पर इसकी जो डिमांड है ये क्या की जा रही है। तो दोस्तों इसका इंजन देखने से पहले इसका जो इसकी जो डिग्गी है ये भी आप लोग देख सकते हैं जी, इस तरह से ये मतलब खुलती है। ये इसकी सीलें वगैरह इसकी कंडीशन है, लत्ते वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ये बैक सीट्स हैं इसकी, ये स्पेस है खाली, ठीक है, कंडीशन आप लोगों के सामने है। ये अंदर से इसकी जो कंडीशन है रूम की ये भी आप लोग देख सकते हैं। अभी दिखाते हैं इसका जो इंजन है वो दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों इसका जो इंजन है उसके लिए मैंने, आप देखें कि जो इसका बोनट है ये मैंने ओपन कर दिया हुआ पहले से, ठीक है, क्योंकि बड़ा बोनट होता है तो वीडियो के दौरान वो खोलना ज़रा मुश्किल होता है कार से। तो ये इसका जो इंजन है, आप 2800 cc इंजन है इसका, ठीक है, 2800 cc डीजल है। और इसके अलावा इसकी कंडीशन देखें तो बिल्कुल साफ़ हालत में इसका जो है इंजन मौजूद है। ये इसका चेसी नंबर है जी, इंजन इसका बिल्कुल ओके है, इसकी बैटरी बिल्कुल साफ़ है और फ्रंट पट्टी भी बिल्कुल ओके है। दोस्तों बहुत ही शानदार हालत में ये गाड़ी है, बोनट की जो कंडीशन है आप लोग देख सकते हैं ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में है। दोस्तों इसकी जो डिमांड है वो अब बताते हैं कि वो क्या की जा रही है। दोस्तों सखी मोटर्स पर इसकी जो डिमांड है वो कर रहे हैं जी 35 लाख रुपया। जी हाँ दोस्तों, 35 लाख रुपया इसकी डिमांड की जा रही है। प्राइस में कमी पेशी हो जाएगी, अगर तो कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो इनसे रब्ता कर सकता है, कीमत जो है ये फिक्स नहीं है, कमी पेशी हो जाएगी। बाकी जो है आई होप कि ये दो गाड़ियाँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन का जो निशान होता है उसको लाजमी ऑल पर क्लिक किया करें, ताकि उसके ज़रिए से जो अपडेट्स होती हैं आने वाली वीडियोज़ की वो आप लोगों को मिल जाए करेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।